ग्वालियर से खबर है, निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में स्कूटी सवार 3 युवक गिर गए। इसमें एक युवक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। सड़क पर सीवर चैम्बर बनाने का काम चल रहा है। और पता है ये हादसा क्यों हुआ? स्ट्रीट लाइट अगर होती तो ये हादसा ना होता। स्थानीय पार्षद और MIC सदस्य ने आरोप लगाया है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर की घटना है। 3 से 4 दिन से लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। महेंद्र, ये तो अव्वल किस्म की लापरवाही, अव्वल दर्जे की लापरवाही है। एक शख्स की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और पार्षद ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रीट लाइट होती तो हो सकता है कि ऐसा हादसा ना होता। जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरह से जो हादसा हुआ है बड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में, जिसमें जो स्कूटर सवार जो 3 युवक थे वो एक उस गड्ढे में जो कि निर्माणाधीन एक सीवर का चैम्बर था जो कि उसमें निर्माण चल रहा था उसमें जाके गिर गए थे। उसमें एक युवक की मौत हो गई थी और 2 उसमें घायल हुए हैं। जिससे लेकर ये जिस तरह से देखा जाता है, जिसमें पूरा लाइटिंग जो वहां पर लाइट नहीं है, दूसरा वहां पर जो संकेतक जो स्टॉपर होना चाहिए स्टॉपर नहीं थे, साथ ही उसमें अगर कुछ ऐसा व्यवस्था ऐसी नहीं थी जहाँ पर जो बाइक चार जो युवक थे उसको देख सकते थे और वहाँ उस गड्ढे में गिरने से बच सकते थे। ये पूरा कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही रही है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही ये नगर निगम और ठेकेदार के द्वारा की गई है, जिसके वजह से एक युवक को अपनी जान गंवाना पड़ा है। मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले भी ऐसी एक घटना ग्वालियर में घटी थी। चैम्बर के सिविल से टकराने के बाद एक जो एक पत्रकार युवा पत्रकार था वो उसके उसमें आने चपेट में आने से उसकी भी मौत हुई थी, जिसके बाद बावजूद भी लापरवाह नगर निगम लापरवाह रहा। और आज दूसरा जी घटना हुई है जिसमें युवक ने अपनी जान गंवाई है और इसमें दोषियों के खिलाफ अब लोग जो वहां के स्थानीय लोग हैं दोषियों के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लापरवाही बरतते हैं और दूसरों को उनकी वजह से जान गंवाना पड़ती है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका महेंद्र।